शरीर का छेदन हो सकता है, आत्मा का छेदन नहीं हो सकता। कल मैंने एक कहानी बोला था, उसको फिर आज हिंदी में बताते हैं। ये भगवान से सुना हुआ और ये सत्य भी है। जब अलेक्जेंडर आया था, अलेक्जेंडर जानते हो, सिकंदर, जब सिकंदर भारतवर्ष में आया था और थोड़ा बहुत जगह भारतवर्ष का जीत लिया था, उत्तरी भारत में अफगानिस्तान इधर पंजाब सिंधु ये सब जगह जीत लिया था, इसके बाद वो अपने अपने अपना जो देश है उसमें वापस जाने लगा। तो जब वापस जाने लगा तब उसको अचानक याद आया कि मेरे राज्य में एक मंत्री थे, उन्होंने कहा था अगर आप भारतवर्ष में पहुंच सकते हैं तो भारतवर्ष से एक योगी को लेकर आइएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, एक योगी को आप लेकर आइए। अलेक्जेंडर को याद आया, सिकंदर को याद आया, अच्छा मुझे एक योगी को लेकर आना होगा। तो वो अपने सिपाहियों को कहा देखो तो जाओ, जा तो खोजो तो कहाँ पे योगी है, खोज के लाओ, योगी को लेके जाएंगे। तो सिपाही लोग खोजते खोजते एक योगी को पाए, एक जंगल में बैठ के ध्यान कर रहे। तो सिपाही बोले जाके अरे योगी जी चलिए, कहाँ? बोले हमारे महाराज है सिकंदर अलेक्जेंडर, वो आपको बुलाए। बोले हम नहीं जाएंगे, जाओ। अरे नहीं नहीं चलिए, वो बहुत बड़े हैं, ये है। बोला जाओ, तुम बड़े हैं हम नहीं जाएंगे। तो ये सिपाही लोग गए अलेक्जेंडर के पास, जाके बोले कि योगी तो आ नहीं रहे हैं। बोले जाएंगे नहीं। अलेक्जेंडर बोले ठीक है हम जाएंगे, हम लेके आएंगे, चलो। तो आए तो योगी के पास आके बोले कि योगी जी हम आए हैं, हम अलेक्जेंडर हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, हाँ अलेक्जेंड्रिया से आए हैं, आप हमारे साथ चलिए, हमारे वहाँ पे एक मंत्री है, उन्होंने कहा है कि आने से एक योगी जी को लेकर आइएगा, आप मिले हैं, आप चलिए हमारे साथ। नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, आप जाइए, मैं यहीं पे ठीक हूँ, ये जो वन है जंगल है यहीं पे ठीक है। नहीं नहीं चलिए चलिए, बहुत बार विनती किया नहीं गया। जब विनती किया नहीं गया, अलेक्जेंडर बोला अरे उसको गुस्सा आ गया अलेक्जेंडर को, अरे आप जानते नहीं हम कौन हैं, हम अलेक्जेंडर हैं, हम पूरे विश्व को हम जीते हैं, विश्व विजेता हैं, हम आपको अभी मार डालेंगे, आप मेरे बात नहीं मान रहे। योगी बोला कि देखो अब तक तुम जो बात बोल रहे थे वो थोड़ा में उस बात में थोड़ा सा बुद्धि था, थोड़ा सा ज्ञान था, ठीक था वो बात, तुम एक योगी को अपने जगह पे लेके जाना चाहते थे ठीक है, लेकिन अभी जो तुमने बात बोला ये तुमने एक मूर्खों की तरह बात बोला। हाँ मूर्खों की तरह बात बोला कैसे? तो तुमको पता नहीं है कि एक योगी का मृत्यु नहीं है, तुमको पता नहीं है? तुम किसको मारोगे, तुम किसको काटोगे, शरीर को काटोगे, काटो अभी काटो। तुम मेरे शरीर को स्पर्श कर सकते हो लेकिन मेरे आत्मा को तुम कभी स्पर्श कर नहीं सकते, तुम मुझे कभी स्पर्श कर ही नहीं सकते। यह है असली चीज। अलेक्जेंडर माथा नीचू करके चला गया। बोले यह है सत्य। योगी बोला कि तुम मुझे डराओ मत, तुम अगर मारोगे तो तुम मेरा केवल शरीर को मार सकते हो, मेरा जो आत्मा है उसको तुम स्पर्श भी नहीं कर सकते ठीक है। तो यह है आध्यात्मिकता, यह है ज्ञान।